तो यार यहाँ आके ना कुछ अपनी पुरानी यादें भी ताजा हो गई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंशुल ब्लॉग्स में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक ठाक होंगे और मस्त होंगे। तो यार हर संडे की तरह इस संडे भी हम जल्दी उठ गए हैं, और क्योंकि संडे को जो है घर पे बहुत ज़्यादा काम होता है। एक ही संडे तो मिलता है जिसमें हम जो है सारे लोग मिलके घर का काम वगैरह करते हैं। तो आज भी वही संडे है, अभी सिर्फ मैं और मम्मी उठे हैं। तो सुबह सुबह उठ के जो है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि आज चलो ब्लॉग शूट भी करना है, ब्लॉग वीडियो भी बनानी है, तो क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत जो है एक छोटे से प्रैंक से की जाए। तो अभी जो है मैं करने वाला हूँ पन्नू के साथ एक छोटा सा प्रैंक, और अभी वो सोया है क्योंकि उसको आज आईटीआई नहीं जाना है, तो उसको गहरी नींद में पड़ा है वो। तो अभी मैं उसके साथ जाके एक छोटा सा प्रैंक करूँगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा हो रहा है प्रैंक। पन्नू, ओए पन्नू, चल उठ बाहर, बुला रहे को मम्मी, मम्मी बुला रहे हैं। मैंने सोचा यार चल मैं सुबह सुबह वीडियो बनाता हूँ, बना लूँ तेरी वीडियो। अरे उठ जाओ ऊपर, उठ रहा हूँ भाई, बाहर में आ गया मैं, बाहर को 5 मिनट में चल बाहर को, आ रहा हूँ। अरे तेरे को बाहर बुला रहे मम्मी। आ गया तो आप जाओ। नहीं मैं यहाँ रील बना रहा हूँ अभी। हाँ बना लो तो सब चल, अरे बैठो तू अभी जा तो बाहर, तेरे बाहर बुला जाओ। रहे तो थे मम्मी, आ रहा तेरी मम्मी का हूँ फोन आया, जा बाहर। बस। तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। क्या हुआ? कुछ तो क्या हुआ तो कुछ तो हुआ होगा। नहीं हो रहा, क्या होना है, उबर उठो तो बस 8 बज गए, क्या आफस बता क्यों दूँ, रे? 8 तो बज गए पहले ही, आफस क्यों रे? तो ऐसा फिर भी ऊपर बढ़िया उठ गया, हाँ तो मस्ते है, कुछ तो हुआ पर है। देखिए क्या क्या है आपने सीखा अपना प्रैंक तो हो गया सक्सेसफुल, और वो सही में वो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, कलबूती लग रहा था, और उसको तब पता लगा जब वो मम्मी हंसने लगे। तो यार अभी चलते हैं बाहर और अभी देखते हैं कुछ और। 2000 years later। मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं किसी काम को लेके दूसरे गांव, तो मम्मी पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं थोड़ा उनसे आगे आ गया था। तो रास्ते में जो है मुझे दिखाई दिया स्कूल, हमारा जो प्राथमिक विद्यालय है। तो
मैंने सोचा कि मैं आपको भी अपना जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक पाठशाला है, मैं आपको भी उसको एक बार दिखाऊं। तो दोस्तों, ये है हमारे गांव की एकमात्र प्राथमिक पाठशाला। यहाँ से जो है मैंने अपनी पहली से लेकर 5वीं तक की जो शिक्षा ग्रहण की है, और हमारे गांव के सभी जो बच्चे हैं वो वहीं से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं अपनी 5वीं तक की। तो वो जो सामने स्टेज बनी है और सामने जो टॉयलेट बाथरूम बने हैं, जिस समय हम पढ़ा करते थे उस समय ये सब नहीं हुआ करता था, और यहाँ से जो ये फेंसिंग वगैरह लगी है ये भी उस समय नहीं लगाई गई थी। तो अब तो ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। और तो यार, यहाँ आके ना कुछ अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई है दोस्तों। तो आपको जो ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा दरवाज़ा ना, इस पे लकड़ी लकड़ी लगी है, लेकिन ये जो नीचे है ना, ये वाला कॉर्नर, इस पे जो है प्लाईबोर्ड लगा है। इसके पीछे भी एक किस्सा है। कुछ हुआ यूँ कि मैं और मेरा दोस्त खेल रहे थे, हम सामने से दौड़ के आ रहे थे, और जो ये पीछे कुंडी होती है ना दरवाजे पे, हम उस पर किक कर रहे थे, तो दरवाजा फटाक से खुल रहा था। तो हम उसमें एक अपना ये अलग मजा ढूंढ रहे थे। तो खेलते खेलते क्या हुआ कि किक थोड़ी नीचे से कुंडी पे ना लगी, और थोड़ी नीचे लग गई, और ये दरवाजा टूट गया। तो ये उस टाइम प्लाईबोर्ड लगी थी, और आज तक ये प्लाईबोर्ड लगी है। तो यार, ऐसा होता है कि कुछ मेमोरी वगैरह रह जाती हैं। तो अभी मैं बैठा था, मैंने देखा, मुझे याद आया कि हम कितने शरारती हुआ करते थे। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ी है मैडम। यहाँ पे ना, यहाँ पे प्रेयर हो रही थी, तो मेरे को मैडम डेली खड़ा करके, सुबह डेली पिटाई होती थी मेरी, कि घर वालों को बुला के लाना, घर वालों को बताना। और डर कैसा भाई, घर में फिर नहीं बोल सकते हैं, घर में बोला तो घर में और पिटाई होगी, तो यहाँ भी मार खाओ, घर में भी मार खाओ। तो सोचा कि चलो यहीं पे खा लेते हैं, घर पे रहने देते हैं, क्योंकि घर पे तो मार भी फिर दूसरी वाली पड़ती थी ना। तो ऐसे बचपना था कि ऐसे शरारती हुआ करते थे हम बचपन में। यह नीचे स्कूल, और ये जो है मेन रास्ता है, पगडंडी जो बनी है मेन जो है स्कूल के लिए बनी है। और ये साथ में जो है, साथ में है डिस्पेंसरी, ये भी अभी अभी बनी है। इस पे डॉक्टर वॉक्टर तो कोई रहता नहीं है, बस खाली नाम का उप स्वास्थ्य केंद्र बड़ेच बना है। तो ये है अपना गांव, हमें जाना है वो जो सामने है ना, उसके ऊपर से, वो ऊपर लास्ट वन जो आपको दिखाई दे रहा है, वो हमें यहाँ जाना है, इतनी ऊपर। और ये है पार्क, सीढ़ी नुमादार खेत बने हुए, जिसमें कि अभी लोगों ने हल वगैरह लगा रखा है, और अभी टमाटर मिर्च के लिए तैयारी कर रहे हैं लोग। और ये सामने बना है पार, इतना बड़ा घर। सो गाइस, ये है मेन रोड, मेन मतलब हमारे घर के लिए जो मेन एक ही रोड तो है। और ये सामने खड़ी है मम्मी, जो कि आधे घंटे पहले आ गए है, पता नहीं कहाँ थे अब तक, और इतनी मोटे हो गए अब। तो चलिए, अभी चलता हूँ और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों, अपना काम निपटा के अब मैं जा रहा हूँ अपने घर, मेरे मम्मी चले गए आगे। तो यहाँ से मैं आपको एक बार अपने पूरे गांव का व्यू दिखाता हूँ। वो जो शुरुआत करते हैं सामने से, जो वो आपको वो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही, ये है माध्यमिक स्कूल। और यहीं से जो है मैंने भी अपनी माध्यमिक की जो शिक्षा है ग्रहण की है। आपको जो सामने से कच्चा रोड दिखाई दे रहा है, ये मेरे घर के लिए मेन रोड है। यहाँ से मतलब ये इसी रोड से होते हैं मैं अपने घर जाता हूँ। और वो जो सामने ऊंची सी आपको छोटी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है मंदिर। और इस तरह से कुछ हिमाचल की खूबसूरत वादियों में हमारा गांव बसा है, हमारा घर बसा है। ये है हमारे गांव का पानी का सबसे बड़ा टैंक। यहाँ से जो है काफ़ी सारे लोगों के लिए पानी सप्लाई होता है। लोग जो है इस टैंक का पानी का प्रयोग जो है सिंचाई के लिए करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो टैंक है अपने गांव में लगभग 3 से 4 अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। तो अभी तो ये भर रहा है। मैं आ गया हूँ अपने खेत में, ये आप खेत में देख सकते हैं, हमने लगाया है जौ, जो अब पकने की कगार पे है।
बस अब कुछ दिनों बाद जो है इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। और ये आधे खेत में जौ लगी है, आधे खेत में जो है मटर लगाई है। मटर भी जो है लगभग फ्लावरिंग पे है अभी, इसको तैयार होने में तो लगभग 2 महीना और लग जाएगा अभी। तो गाइस वहाँ से आ रहे हैं मम्मी, और आप देख सकते हैं कितने मोटे हो गए, ड्राम जैसे फैल रहे हैं दिन दिन के। मेरे से आगे चले थे ये, लगभग लगभग 200 मीटर आगे थे, और अब पहुंचे ये। वाह 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 मम्मी, है ना बोरी खड़न होए बोरी लग रही मुंह ढों दो ये आगे ने कितने बाल्टी भरी थी रड़ाई दी थी, पर नहीं बाल्टी भरो भाई यहाँ से यहाँ को गिरा दो, पर नहीं ढूंढ तो नहीं कर लो ढूंढ वहां ढूंढ नहीं करना। ठीक है चलो चलो चलो, भूख लग रही है।